दोस्तों YouTube पे आपको Samsung Galaxy M32 फोन के साथ हुए बहुत तरह की गेमिंग रिव्यूज देखने को मिल जाते हैं, बट आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ हटके दिखाने वाला हूं। मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि आप इस फोन में कम से कम बैटरी कंजम्पशन और बहुत कम हीटिंग एंड एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्रेम ड्रॉप के साथ COD मोबाइल को खेल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो गेम प्ले करने वाला हूं, उसके दौरान मेरा जो फोन है ये मोबाइल डाटा से कनेक्टेड होगा। मैं यहां पे वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं, और अगर आप वाईफाई का यूज करते हैं तो आपका बैटरी और भी कम जाने वाला है और आपको परफॉर्मेंस और भी बेहतर मिलने वाला है। वैसे परफॉर्मेंस पे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत ही कम बैटरी कंजम्पशन के साथ भी ये आपको करीब 55 टू 60 FPS दे देता है। और ये जो वीडियो है ये भी आपको 60 FPS पे मिल जाएगा, जिससे कि आप इसे YouTube पे भी 60 FPS पे देखकर जो रियलिटी है इस वीडियो का उसे भी चेक कर सकते हैं। वैसे मैं आपको और एक चीज भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आप मेरा जो गेम प्ले है उसे जज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो गेम है इसे इतना ज्यादा नहीं खेलता हूं, और वैसे भी ग्लेयर रिडक्शन के लिए यानी कि स्क्रीन पे जो लाइट ग्लेयर है वो कम आने के लिए मैं फोन को इतना टिल्ट नहीं करने वाला हूं। और क्योंकि मैं हमेशा जायरोस्कोप के साथ खेलता हूँ, तो बिना जायरो के खेलने का भी जो इफेक्ट है वो आपको इसमें दिखने को मिलेगा। मतलब जायरोस्कोप तो ऑन रहेगा, बट मैं उसे इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकूंगा, क्योंकि अगेन फोन टिल्ट हो जाएगा और लाइट फ्लेयर्स आपको दिख सकते हैं, क्योंकि आउटडोर वीडियो शूटर है। और वैसे भी अगर कहीं पे फ्रेम ड्रॉप या फिर जिटर देखने को मिलता है तो वो आप शायद से नोटिस नहीं कर पाएंगे अगर मैं डिवाइस को टिल्ट करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस फोन में अभी बैटरी सेवर को ऑन कर रहा हूं, जिससे कि इसका जो CPU है Helio G80 वो अराउंड 70% तक ही यूज हो पाएगा, उससे ज्यादा यूज नहीं होने वाला है। और क्योंकि बैटरी सेवर ऑन है तो बाकी अननेसेसरी प्रोसेसेस के लिए भी चार्ज इतना नहीं जाएगा, और बैकग्राउंड एप्स के लिए भी जो डेटा है वो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, तो आपका जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इस गेम के लिए और भी बेहतर रहने वाला है। वैसे भी अगर आप इस फोन में गेमिंग करते हैं तो हाई प्रायोरिटी मोड में गेम ही चलता है। वैसे इस सीक्वेंस को भी आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो गेम परफॉर्मेंस मोड है उसे मैंने स्टार्टिंग के टाइम से ही फोकस ऑन पावर सेविंग पे सेट कर दिया था। और अब यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स देख सकते हैं। बाय द वे जो टेम्परेचर प्रायोरिटी मोड है थर्मल थ्रॉटलिंग का, उसे भी मैंने ऑन कर दिया है, तो अगर ये फोन ज्यादा हीट होगा तो आपको इस गेम के अंदर लैग देखने को जरूर से मिलेगा, और अगर फोन इतना ज्यादा हीट नहीं होगा तो आपको लैग वगैरह उतना देखने को नहीं मिलेगा। वैसे मैं यहाँ पे सिंपल गेम प्ले तो करूंगा, बट आप अगर चाहो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और दो चार फ्रेम्स कहीं पे ड्रॉप हो सकते हैं कभी कभार गेम प्ले के दौरान, बट ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला आपके गेम प्ले को। और वैसे भी मैं पावर सेविंग मोड के बारे में बात कर रहा हूं अभी।
तो आप देख सकते हैं फिलहाल हमारा ये जो गेम प्ले है ये काफी स्मूथली हो रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो गेम प्ले है वो आउटडोर कंडीशन में हाई ब्राइटनेस के साथ कर रहा हूँ। तो ये जो मल्टीप्लेयर का एक मैच है इसके दौरान जो बैटरी परसेंटेज है वो एक से बस थोड़ा सा ही ज्यादा जाता है। और अगर आप वाईफाई से गेम खेलते हैं तो एक मल्टीप्लेयर गेम प्ले के सेशन में मुश्किल से 1% ही आपका जो बैटरी है वो ड्रेन होने वाला है इस पावर सेविंग मोड के साथ। यहाँ पे ग्राफिक्स क्वालिटी आप लो या फिर नॉर्मल पे सेट कर सकते हो फ्रेम रेट को हाई पे। तो यहाँ पे हमारा एक मैच खत्म हो चुका है और जो इसका बैक पैनल है उसमें हीटिंग बिल्कुल ना के बराबर हुई और बीच में एक एरिया में बस थोड़ा सा ही वार्मनेस देखने को मिला है। बट ये जो रिजल्ट है विंटर सीजन का है, आगे चल के समर के टाइम में ये थोड़ा सा ज्यादा हीट हो सकता है या फिर अगर आप धूप वगैरह में खेलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है फोन हीट होगी और जो स्क्रीन है वहाँ पे भी आपको कुछ हद तक हीटिंग देखने को मिल सकती है। बट नॉर्मल इंडोर कंडीशन में एंड शेड पे भी आपको इतना ज्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिलेगा अगर आप इस मोड के साथ खेलते हैं। बट अगर आप बैटल रॉयल मोड्स खेलते हैं जहाँ पे 30 से 40 मिनट तक एक मैच चलता है उसके दौरान आपको थोड़ी बहुत हीटिंग देखने को मिल सकती है। पर अगर आप ये नॉर्मल मल्टीप्लेयर गेम्स को खेलते हैं डिफरेंट मैप्स के साथ, यहाँ पे मैं सीओडी की बात कर रहा हूँ, आपको 5-6 मिनट में 1% बैटरी ड्रेन होता हुआ देखने को मिल जाएगा और हीटिंग जो है वो आप कितनी देर तक गेम खेलते हैं एक बार में उस पर डिपेंड करता है। और ये थोड़ी बहुत आपका जो फोन को होल्ड करने का पैटर्न है उस पर भी डिपेंड करता है। बट क्योंकि यहाँ पे हमने बैटरी सेविंग मोड को ऑन कर रखा है और गेम परफॉर्मेंस पे भी पावर सेविंग मोड को ऑन कर रखा है और थर्मल थ्रॉटलिंग को भी ऑन कर रखा है, इन तीनों ऑप्शंस की वजह से आपको ठीक ठाक गेम प्ले एक्सपीरियंस जो है बेटर बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। और वैसे भी क्रॉस चेक करने के लिए आपके पास 1080p/60fps पे इस वीडियो को देखने का भी ऑप्शन है।
thing, dumping the three time, the 3mm. EA don't want me in music. Yes, I rich rhythm, the drum beater. Fall back express train and we going uptown. If you don't think that I can swing, we'll send you to the crossroads. Over your gold, we'll slice you with our rhymes. I'm not a puppet on a string. Well, I just don't know. That's what I ain't gonna do. 1, 2, 3 forever, because you want everybody in my whole crew. That's right, we got the parties with the tech, everybody in the beds. Hold up, but if your money's, we would try. He'll be huffing and puffing, bitches modeling and got boom swollen until the HICCUPC. I know that a gift is great in my mind. I swore that the world would work, but until he done testified up in court, you'll be a broke ass motherfucker. Trick, 8 tracks, CDs, back around in the band plates, drunk, high, about to do a bid. Y'all gotta tell each other, kick back, Jack, relax, word up. I'm throwing dime passes like J Kid and the Red Bomb Citizen, keeping it retro. फिलहाल हमारा जो गेमिंग सेशन है करीब 1.25 घंटे का वो खत्म हो चुका है और जो फोन है वो इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ है। अगर आप इस फोन से रिलेटेड और भी डिफरेंट कंटेंट्स देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूं। और वैसे भी बहुत जल्दी इस पे एक वीडियो आने वाला है कि आप ढेरों फोन्स को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो अपने सैमसंग के Y9i फोन में विदाउट बीइंग चार्ज्ड बाय गैलेक्सी स्टोर। तो बस ये था इस वीडियो में, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस देखने को मिलते रहे।